नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। जेडीयू में किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कयासबाजी है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार एक बार फिर अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह तक ने पार्टी में किसी भी तरह की खटपट से इनकार किया। सवाल है कि फिर जेडीयू में इतनी हलचल आखिर क्यों? जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात की हलचल पटना से लेकर दिल्ली तक है। चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब 29 दिसंबर को होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर ही गायब हो गई। हालांकि कुछ घंटे बाद ही नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह की तस्वीर वाले पोस्टर जेडीयू दफ्तर में लगा दिए गए। जेडीयू के अंदर मतभेद की कयासबाजी 19 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक के बाद तेज हुई। खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं। तभी बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बड़ा दावा कर दिया कि लालू प्रसाद से नजदीकी के चलते ललन सिंह की कुर्सी जाने वाली है। 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार खुद जेडीयू के अध्यक्ष बनेंगे, ऐसा सुशील मोदी ने दावा किया था। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एक दिन पहले ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है, उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने भी बैठक में किसी भी तरह की उठापटक से इनकार किया। नीतीश ने कहा, ये सामान्य बैठक है जो हर साल होती है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, कुछ उधर चिंता मत, नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। ये खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन भले ही ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को खारिज किया हो और नीतीश कुमार ने मतभेद की खबर को नकारा हो, पर जेडीयू की बैठक के पहले बीजेपी की ओर से एक और बड़ा दावा किया गया। ये दावा किया बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज ने कहा कि लालू ने नीतीश के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है और नीतीश कुमार सरकार से जाने ही वाले हैं। नीतीश कुमार पर जदयू था, जदयू का कोई अब नीतीश कुमार का ही अस्तित्व, सामाजिक अस्तित्व खत्म है, तो जदयू का क्या अस्तित्व रहेगा? चर्चा है कि ललन सिंह पे कार्रवाई हो सकती है। बढ़िया है, कार्रवाई करें, उनको निकाल दें, हम लोगों को क्या लेना देना है? क्या नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में हो रही है? बिल्कुल नहीं, कोई संभावना ऐसी नहीं, 200%। जेडीयू में मतभेद की खबरों पर आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा, सभी पार्टियां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है। तेजस्वी ने महागठबंधन में किसी भी तरह की फूट से इनकार किया। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है, उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? अरे हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महज एक दिन बाकी है, उसके पहले जेडीयू के तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठकों का दौर भी जारी है। अब सभी की नजरें बैठक पर टिकी है कि क्या कुछ बड़ा होता है।
न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो। तो इधर जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से बाहर निकलने के दौरान ललन सिंह ने अपने इस्तीफे को लेकर इशारों ही इशारों में बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। बात आप लोगों को बता दिया जाए। आपको तो मैंने सुबह कहा है कि जब हमको इस्तीफा देना होगा आप लोगों को बुला लेंगे, आप लोगों से परामर्श ले लेंगे और इस्तीफा का ड्राफ्ट भी जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से बना के आप लोग लाइएगा उसको देख लेंगे।